क्या 2019 में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे नीतीश? मिशन 2019 को लेकर क्या है नीतीश कुमार की तैयारी? मिशन 2019 को लेकर बिहार एनडीए के घटक दलों के बीच भले ही अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन हाल ही में सामने आए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने गठबंधन के घटक दलों के बीच तनातनी जरूर बढ़ा दी है। खबर है कि मनमाफिक सीट नहीं मिलने की सूरत में जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला सामने आया था, जिसके मुताबिक बीजेपी को 20, जेडीयू को 12, एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 2 सीटें मिलनी थी, लेकिन जेडीयू के सीनियर नेताओं ने उस फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया है। जेडीयू नेताओं ने दो टूक कहा कि फॉर्मूले के आधार पर सिर्फ 12 सीटें देना किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। कुछ सीनियर नेताओं का ये भी कहना है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू से जुड़े सूत्रों की माने तो सीटों के बंटवारे में भी उनकी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी। कहा जा रहा है कि जेडीयू 16-16 और 5-3 के फॉर्मूले पर 7 चुनाव मैदान में जाने का मन बना सकती है, लेकिन इस फॉर्मूले में जेडीयू के साथ छेड़छाड़ हुई तो बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक राहें बदल सकती हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने 2019 के चुनावी समर में अकेले उतरने का विकल्प भी खुला रखा है। खबर तो यहाँ तक है कि जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा था कि सीट बंटवारे पर गठबंधन दलों के नेताओं की माने तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को एकजुट रख पाती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।